लगता है, इट्स सच अ जुवेनाइल बिहेवियर, सच अ डिलिंक्वेंट जुवेनाइल काइंड ऑफ अ बिहेवियर, बच्चों की तरह चाइल्ड क्रिमिनल टाइप का बिहेवियर है यार ये, इस तरह से ना करो, मेच्योरिटी दिखाओ अपनी लाइफ में। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड के एट अ सर्टेन पॉइंट वी ग्रो अप एंड देन व्हेन वी डू वी नीड टू बिहेव लाइक ग्रोन अप्स। ऐसा नहीं होता कि आप बड़े हो गए उम्र में लेकिन आप जो है वो ग्रोन अप्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे, बिहेवियर वही बच्चों जैसा है जो है ना। तो देखो नहीं ऐसे देखो जुबैर, दैट डजंट हैपन। द थिंग इज कि पीपल नीड टू बी डिसिप्लिन्ड नॉट डिस्कार्डेड, ये एटीट्यूड लाइफ में रखा करो। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस पीपल हु डोंट नो हाउ टू यू नो बिहेव, तो आप उनको डिस्कार्ड नहीं करते, आप उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हो। हाँ शाज़ेब डजंट लीव एनीवन, ही इज वेरी स्ट्रिंजेंट, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड, ही इज वेरी वेरी यू नो स्ट्रिक्ट इन दिस मैनर के वो बर्दाश्त नहीं करता बुरा बिहेवियर ना। अच्छा जी मूविंग अहेड, अब सारे के सारे आ गए, मसला सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ठीक है ना, मसला रिजॉल्व हो गया, सब चीजें हो गई, तो आते हैं क्या किया है हमने और क्या करने वाले हैं हम। सही है, ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ रहे थे ठीक है, जो नए लोग हैं ट्राई टू कैच ऑन, वो लोगों ने अभी शुरू नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम सारा कुछ करेंगे। आई चेक योर असाइनमेंट्स एंड आई एम रॉयली पिस्ड एट यू गाइज बिकॉज यू कॉपीड योर असाइनमेंट्स ऑफ द इंटरनेट, थीव्स, चोर, प्लेजराइज किया है आप लोगों ने, और मजे की बात मोस्टली लोगों ने एक ही जगह से प्लेजराइज किया है। आई वुडंट हैव, एक तो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स का पोटेंशियल क्या है, जब आप यहाँ पे लिखते हो ना, जिसने नहीं भेजा वो इग्नोर करे, ऑब्वियसली शुएब आपने नहीं भेजी तो आप इग्नोर करो यार, क्यों बुला वजह उस पर रिप्लाई कर रहे हो ठीक है। तो बहरहाल जिसने भेजी है मैं उनकी बात कर रही हूँ ना, उनसे मुखातिब हूँ, आपसे तो मुखातिब नहीं हूँ मैं इस वक्त। तो इसमें यह है कि बच्चों ने जो है वो अगर मुझे पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ हसन तुम्हारी मैंने अभी चेक नहीं की, आई वॉज एक्चुअली इन हाफ वे आई हैव चेक्ड इट ठीक है, तो आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड ठीक है, आई थिंक दैट यू डन सम गुड वर्क, योर लैंग्वेज इज गुड, आई थिंक दैट अब तुम्हें टनलाइज करना पड़ेगा ठीक है। जिसने प्लेजराइज नहीं किया उसने नहीं किया, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने किया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस वक्त रिप्लाई नहीं करे और ना उनको करना चाहिए, बस समझ लें बात को और रख लें अपने जहन में कि जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको पता होता है कि उसके बच्चों की क्या एबिलिटी है, और वो मैं आपके टेक्स्ट करने के अंदाज से पता लगा सकती हूँ कि यार इसकी बंदे की या बंदी की क्या एबिलिटी होगी, और मोर और लेस ठीक है। और बाय दिस टाइम इन माय लाइफ इतना एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है कि मैं इतना कर सकती हूँ, एंड आई रियलाइज कि ये कहीं से इसने उठाया है, बट देन असाइनमेंट आफ्टर असाइनमेंट द सेम थिंग हैपेंड, द सेम लिंक वाज एग्जैक्टली कॉपीड एंड पेस्टेड, एंड आई वाज सी एंड इट डिडंट इवन मेक सेंस, इट डिडंट इवन मेक सेंस यार। एटलीस्ट ट्राई टू, एटलीस्ट जब मैं भी कभी, मैंने कॉपी पेस्ट बहुत किया है, मैंने इंटरनेट से बहुत चीज़ें उठाई हैं, मैंने विकिपीडिया से उठाए हैं यार असाइनमेंट्स, लेकिन मैंने कभी पेस्ट नहीं किया डायरेक्टली, हम मैंने हमेशा उसको रिफ्रेज किया है यार, मैंने हमेशा उसको उसका कॉन्टेक्स्ट देख के फिर उसको यूज़ किया है ठीक है ना। तो नहीं नुकसान नहीं वर्ड में करने का या फिर पेपर में करने का, पेपर में करते हो ना मैं चेक सही नहीं कर सकूंगी बिकॉज आई कांट गिव यू फीडबैक, मैं एक दफा पीडीएफ खोलूं फिर वापस जाऊं फीडबैक दूं फिर पीडीएफ रीड करूं, दैट्स जस्ट दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, आई गेट सिक एंड देन आई डोंट चेक इट प्रॉपरली, दैट्स फॉर वर्ड इज फॉर मी नॉट फॉर यू, आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक दोज मिस्टेक्स ठीक है, यू हैव टू बी सिंसियर टू योर सेल्फ ठीक है। से दूसरा आप दो या तीन रहती हैं उसमें से आपकी भी है, इनफैक्ट अगली मैंने जो खोली हुई थी वो आपकी असाइनमेंट थी राइट, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस एन असाइनमेंट टुडे एज वेल ठीक है, तो उसको हम करेंगे, उसकी डेडलाइन अगला हफ्ता मैं रख दूंगी ठीक है, एंड ठीक है, एंड जिनका मैंने रिप्लाई नहीं दिया ना मैं उनको कल के दिन में दे दूंगी राइट, तो आप लोगों को जवाब आ जाएंगे आपके असाइनमेंट्स के, बट डू नॉट प्लेजराइज, आई वाज सो यू शेम ऑन यू हू एवर प्लेजराइज्ड, नो दिस वाज नॉट गिवन टू बैच 30, दिस वाज बिफोर बैच 30, फ्रॉम 27 टू 29
वाला था, अभी जो मैं दूंगी तो दैट विल एक्सटेंड ऑन 2/30/31, ठीक है, तो उसमें उसमें आपको वो करनी है, तो मैं यूएन पे ही दूंगी, ठीक है. हाँ ओके शुएब, ठीक है, आई गेट इट, ओके. कैन यू स्टे काम फॉर अ वाइल, ठीक है. चलो, मेरी स्क्रीन अब सबको नजर आ रही है. आज का टॉपिक यूनाइटेड नेशंस का है. शैल वी बिगिन? आधा घंटा हो गया हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ्रेंस क्लास और फिर इसको टॉपिक को कवर कर लेते हैं, राइट. ओके, द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ करंट अफेयर्स. आज का आपका लेक्चर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पर, जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था. फॉर दोज पीपल जो पिछली क्लास में थे, मैंने उनको बताया था, जो नहीं थे तो वो नहीं थे, ठीक है. राइट. ओके, लेट्स गो अहेड इन द लेक्चर. लेक्चर 1 घंटे का होगा तकरीबन. कोशिश करेंगे जल्दी पूरा करें. यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक है. यूनाइटेड नेशंस सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. यूनाइटेड नेशंस को पढ़ना CSS के लिए या फिर एज अ होल, एज ए ह्यूमन बीइंग इन जनरल, अपनी नॉलेज के लिए भी पता होना ज़रूरी है कि यार यूनाइटेड नेशंस क्या चीज़ है. अगर उस तरह नहीं तो किसी भी तरह का स्टूडेंट, अगर आप किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, तालीम ले रहे हो, यू नीड टू नो कि यूनाइटेड नेशंस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स आर टेकन देयर. ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन, ऑल काइंड ऑफ साइंस गोज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, क्योंकि सारे कंट्रीज के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं. सो इट्स अ मेगा ऑर्गेनाइजेशन, सो यू शुड नो अबाउट इट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. यार बीच में क्यों अपनी वो लगाते हो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो, या तो तुम्हें इतना पता है तो तुम खुद पढ़ा लो, ठीक है, दो चार स्टूडेंट्स लो और जाओ, ठीक है. देन आई विल गिव यू लिंक्स ऑन टॉपिक दैट दैट यू विल हैव टू फॉलो. देन देन वी विल टेक अ ब्रीफ 5 मिनट्स फॉर अ क्वेश्चन आंसर सेशन. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो कि लेक्चर के अलावा हैं, उनको मुझे ईमेल करो. अभी तक जितने भी मुझे लेक्चर के अलावा सवाल मिले हैं अपनी ईमेल पर, मैंने उनको जवाब दिया. ग्लैड टू रिप्लाई टू यू ऑन माई ईमेल, राइट. बट do me a favor, whenever you email me and ask me questions, go ahead and be detail oriented. Like, don't ask me straightforward, madam, मैं कौन से topics उठाऊँ अपना, sorry, कौन से subjects उठा लूँ CSS में. No, don't do that. Like, give me, at least give me options कि मैंने ये ये सोचा हुआ है, what do you think? अब इतने तो बहुत सारे subjects, I don't know you, और बहुत सारे subjects हैं and I don't know them as well, all of them. ठीक है, आई नो अ फ्यू दैट आई हैड टेकन और माई फ्रेंड्स हैव टेकन, एंड जो भी मार्क्स मेरे सामने उनके और अपने आए, तो मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसको बता सकती हूँ. सो एटलीस्ट गिव मी ऑप्शन कि अच्छा ये वाले सब्जेक्ट्स मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो वॉट डू यू थिंक शुड आई डू, आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन हु, थोड़ा सा डिटेल में सवाल पूछो, वन लाइनर नहीं पूछो. तुम लोगों के पास टाइम नहीं होगा, आई नो तुम लोग बहुत बहुत बिजी हस्तियाँ हो, पर्सनैलिटीज हो, बट ट्राई टू यू नो आस्क सम डिटेल्ड क्वेश्चन एटलीस्ट. सही है, अच्छा, मेक नोट्स, ट्राई टू कीप अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स डीपली, ठीक है. सो जब आप पढ़ोगे और अपनी तरफ से जो रीडिंग करोगे और लिंक्स को पढ़ोगे और स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा. ऐसा नहीं होगा कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे. अच्छा, जिसको ईमेल नहीं मिली तो वो मुझे दोबारा दोबारा वही ईमेल फॉरवर्ड कर दो, बेशक खाली मैसेज करके. फुल स्टॉप पे होता है, तो अगर वही दी सेंटेंस, ठीक है, एक है जुमले की का स्ट्रक्चर, पेपर सॉल्व करने का मेथड मैं आज नहीं लिखते हैं उसके हिसाब से उसकी टाइप, और दूसरी है उसकी नेचर, कि उसकी जो नेचर है, जो उसकी
अब इस टाइम पे मेरी जिंदगी में यहाँ पे आ गई कि मुझे यूएन चार्टर के अंदर चैप्टर्स के नाम तकरीबन याद होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है मुझे आर्टिकल्स भी याद हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स याद हो गए हैं, ठीक है, इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस याद हो गए हैं, मुझे ये भी पता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं चार्टर में. तो क्या होता है, जितना पढ़ते होते हो ना, जितना आप उसकी स्टडी करते हो और जितनी दफ़ा पढ़ते हो, दो तीन दफ़ा पढ़ जाते हो जैसे चीज़ों को, यू टेंड टू रिमेंबर दैम, ठीक है, फिर आपको याद होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें. एंड वेन यू टेंड टू रिमेंबर दोज थिंग्स, दैट्स द टाइम वेन यू फील लाइक, अच्छा यार अब मुझे आ रही हैं चीज़ें, Now I can do it. So, you know, learn it by heart. तुम लोग मुझे लेक्चर नहीं लेने दोगे? If you're not interested in the lecture, just leave. Don't interrupt me in the middle कि last assignment बताएं या first assignment बताएं. Don't do that. If you have an issue with the voice, then SMS or then text. Otherwise, I don't want to hear anything from you. Not even an okay. Just let me continue with the lecture. Enough with this delinquent behavior. Ek limit hoti hai yaar aapki. Iske baad main aapko objectives bataungi, United Nations ke objectives, goals kya hain. Ye wahi wali cheez hai jo hum pehle do organizations padh ke aaye hain. Uske andar bhi maine aapko jo hai wo ek pattern ke upar unke objectives, jo bhi uski एक स्ट्रक्चर है या ऑब्जेक्टिव्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, रिजल्ट्स हैं और जो भी क्रिटिसिज्म्स हैं, फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं, उसी पैटर्न पे हम चले हैं. तो इसमें भी मोर और लेस वही चीज़ें, एडिशनल दो तीन चीज़ें हैं उसमें, वो मैं आपको बताऊंगी. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे यूएन का, कितनी इसके अंदर बॉडीज हैं, क्या है, जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सारी. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हम देखेंगे, मेजर एजेंसीज कौन सी हैं, ठीक है, मेन ग्लोबल कन्वेंशंस कौन सी हैं. कन्वेंशन होती हैं जो ट्रीटी आप बनाते हो कि अच्छा एक मुआहदा आप करते हो कि अच्छा ये काम इस तरह से होगा इतने इतने टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है. रोल ऑफ द यूएन मैं आपको बताऊंगी. थोड़े से क्रिटिसिजम्स हम देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं कि इसकी ये इनएफिशिएंट है व्हेन इट कम्स टू एनफोर्समेंट, क्योंकि इनकी पुलिस नहीं होती, ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल में ये होता है कि पांच जो कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास दूसरे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा पावर है और कॉन्स्टेंटली है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है, जो कि वीटो पावर जिसको हम कहते हैं. ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल गिव यू सम रिकमेंडेशंस ऑन दिस, राइट, और फिर कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है. चलेंगे अबाउट यूनाइटेड नेशंस पे आते हैं. तो यूनाइटेड नेशंस बना था 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसका सोल मकसद यही था, टू प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मेंटेन पीस. बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक चाइल्ड है लीग ऑफ नेशंस का. लीग ऑफ नेशंस बना था 1919 में, वर्ल्ड वॉर वन के बाद. ये बनाया था वुड्रू विल्सन, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडेंट थे वुड्रू विल्सन, ठीक है. ही इज द ओनली यूनाइटेड स्टेट्स प्रेजिडेंट who had a PhD and he was bestowed with a Nobel Prize for making the League of Nations. But unfortunately, inki jo cabinet thi, Congress thi, US ki Congress jo thi, international jo bhi affairs hote the ya kisi organization ko join karna ya nahi karna hai, to wo US ki Congress decide karti hai abhi tak. To us time pe US Congress decided not to join League of Nations उस टाइम पे. तो इसी वजह से क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो लड़खड़ा गया, फेल हो गया. 30 सालों में उसकी कोई खास कारकर्दगी नहीं रही. बहुत सारे लोगों ने उसकी बहुत सारी ट्रीटीज़ को, बहुत सारे रूल्स को जो है वो डिसरिगार्ड किया, क्योंकि उसमें जिसने बनाया है उसकी पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो जाहिर है फिर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, राइट. तो इसकी वजह से वो किसी काम का नहीं रहा. फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू हो गई, फिर तो वो टूट ही गया लीग ऑफ नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है. उसके बाद फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जब जर्मनी को सबड्यू कर दिया कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, रशिया, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह ने, तो उसके बाद फिर जो है जनाब, आप
चाइना को भी सबड्यू किया गया, कज नहीं, जापान 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 एंड दूसरा आपका जर्मनी. सो दो दीज टू कंट्रीज आर सबड्यूड आफ्टर इन द वर्ल्ड वॉर टू. उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस आपका बना, राइट? ठीक है. फिर यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे कंट्रीज आए. सैन फ्रांसिस्को में जो है वो बहुत सारे कंट्रीज मिले और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को ऑफिशियली उन्होंने स्टार्ट किया और बनाया और उस पर काम किया. बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए. इसमें दो तीन कॉन्फ्रेंसेस के नाम मुझे याद भी हैं. एक था डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस एक जगह पे हुई थी, एक सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी. सो देर वर मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेज दैट हैड हेल्ड टू ब्रिंग इट इन टू बींग. ठीक है. इन द बिगिनिंग सिर्फ 51 कंट्रीज ने साइन किया था. और टू बी ऑनेस्ट, जब यूनाइटेड नेशंस बना था तो इतने मुल्क आज़ाद भी नहीं हुए थे. बहुत सारे मुल्क थे जो अभी तक जो है वो कॉलोनियल रूल के अंदर थे, यानी कॉलोनाइज हुए हुए थे, यानी दूसरे मुल्क उन पर जो है वो हुकूमत किया करते थे. ठीक है. उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्टेट्स नहीं थी दुनिया में. अब 200 स्टेट्स है ना, तो 50 70 80 70 साल पहले, 60 70 साल पहले इतनी ज़्यादा स्टेट्स नहीं थी, इससे कम स्टेट्स थी. ठीक है. और ज़ाहिर है इतनी ग्लोबलाइजेशन या इंफॉर्मेशन जल्दी पास ऑन भी नहीं होती थी, तो इस रीज़न की वजह से जो है वो इनिशियली जो साइनिंग पार्टीज थी, जो वर्ल्ड वॉर टू में भी पार्टिसिपेंट्स रह चुके थे, जो कि जिन्होंने मिलके जो है वो इसको सबड्यू किया कंट्रीज को, वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी बना लिया. ईस्ट जर्मनी जो है वो रशिया को मिला था और वेस्ट जर्मनी जो है वो यूके और यूएस को मिला था. तो जो वेस्ट जर्मनी है उसको यूएस और यूके ने ना बड़ा पीसफुल बनाया और अच्छा बनाया और दोबारा रिफर्बिश किया उसको. लेकिन जो ईस्ट जर्मनी है उसमें रशिया ने क्या किया, उसमें रशिया ने जो है स्पॉइल ऑफ वॉर वाली चीज़ होती है ना, कि यहाँ फैक्ट्रियाँ तोड़ के ले जाओ, सामान उठा के ले जाओ, सारा उसको खाली पूली कर दिया, मतलब खराब कर दिया, समझ रहे हो आप? तो अब क्योंकि वो अपना फायदा निकालना चाह रहे थे उसमें से. ठीक है. तो उस टाइम पे ओनली 51 कंट्रीज ज्वाइंड. हाउएवर नाउ देर आर ऑलमोस्ट 200 नेशंस दैट आर इन द देर आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फिर आप आ जाए हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन आर इन न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बड़े ब्यूटीफुल बिल्डिंग में हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के. फंडिंग जो होती है वो मेंबर स्टेट्स करती हैं. मेंबर स्टेट्स जो बहुत अमीर या डेवलप्ड होती हैं वो यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग करती हैं. यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, अरबिक, रशियन एंड स्पेनिश, जिसमें से मुझे दो आती हैं, इंग्लिश और स्पेनिश. ठीक है. चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पे आ जाते हैं जी. चार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस का, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं. इसकी बेसिकली जो बिगनिंग होती है तो जो है वो उसमें यही होता है कि इट्स दिस बेसिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मेड फॉर पीपल एंड हाउ दे कैन लिव विद द पीस. दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज मेड टू अवॉइड द स्काउर्ज ऑफ वॉर, यानी जो जो वॉर है उस वो जो जिस तरह की तबाही फैलाती है उसको रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. यूएन चार्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है बहुत दफ़ा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई. ठीक है. तो उसमें इसकी बहुत नीड हो जाती है. इट इज़ अ ट्रीटी दैट हैज़ इफेक्टिवली फॉर्म्ड एंड एस्टेब्लिश्ड द यूएन. अब ये जो चार्टर है ना यूनाइटेड नेशंस का, जो भी चार्टर है, आई डिडंट गेट योर पॉइंट. क्या कह रहे हो आप? प्लीज यूज व्हाट व्हाट लेसर. तो बेसिकली जो ट्रीटी, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो बेसिकली एक ट्रीटी है जिसको कंट्रीज ने साइन किया था कि हम इसको ओबे करेंगे. पेन लेजर, ये कहाँ से आएगा? ओके, पानी कहाँ गया? ये है ना, मैं यहाँ पर हूँ. ओके. तो इट वाज यूज्ड एज अ, इट वाज बेसिकली अ ट्रीटी.
क्या? चलो मैं ये यूज कर लेती हूँ. ट्रीटी दैट हैज इफेक्टिवली फॉर्मड एंड एस्टेब्लिश द यूएन. ठीक है, इट इज बेसिकली अ रूल बुक, यानी एक रूल बुक है. कैसे, जैसे हम टीवी लेते हैं, फोन लेते हैं, साथ एक आता है ना कि भाई इसको यूज कैसे करना है, ब्लेंडर मिक्सी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसमें एक आता है कि भाई इसको यूज कैसे करना है, क्या इसके साथ नहीं करना से. या फिर अगर दवाई लेते हैं तो उसमें आता है कि अच्छा जो है वो इस दवाई को जो है आपने गर्म जगह पे नहीं रखना, ठंडी जगह पे रखना है, ऊपर करके रखना है कहीं, ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे. तो वो इसमें भी है, दिस इज लाइक अ हैंड बुक ऑफ हाउ द कंट्रीज शुड बिहेव अमंगस्ट ईच अदर. ठीक है, डू यू गेट माई पॉइंट? यानी कंट्रीज आपस में कैसे जो है वो तावुन करेंगी. ठीक है, इट वॉज साइंड ऑन 26 जून, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ अगेन MCQs, 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को पे साइन हुआ था ये. ठीक है, एट द एंड ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अच्छा जी, इट ऑफिशियली केम इन टू बींग केम इन टू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945. अच्छा, ये दो चीज़ों में फ़र्क आप अभी समझ लें, मैं दोबारा बता दूंगी अगर नहीं समझा तो. बहरहाल साइन करना और रेटिफाई करना दो अलग-अलग अलग-अलग चीजें हैं. साइन करने का मतलब होता है कि आपने, ठीक है, आपने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, ठीक है, आपने ट्रीटी पे साइन कर दिया, आपने चार्टर पे साइन कर दिया, फिर उसके बाद एक और दफा आप उसको रेटिफाई करते हो कि हम इसको फॉलो करेंगे, तब जाके इट कम्स इनटू फोर्स. फिर आप कहते हो कि इट केम इनटू फोर्स, ये फोर लिखा हुआ है, इट्स फोर्स केम इनटू फोर्स. ठीक है, जब एक दफा रेटिफिकेशन हो जाती है तो आप ये समझ लो कि जो यूएन का जो भी यूएन जो है वो चार्टर था वो साइन हुआ था 26 जून को 1945 में, लेकिन उस पे जो उसके जो उस पे जो उसको फॉलो करना शुरू किया था वो 24 अक्टूबर पे, यानी इट केम इनटू फोर्स ऑन द 24 अक्टूबर. ठीक है, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर. ठीक है, पर्पस ऑफ द चार्टर इज टू हेल्प टेक मेजर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस. पीस मेंटेनेंस का पर्पस है चार्टर का, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ खाली पीस मेंटेन करने के लिए. इट ऑल्सो असिस्ट्स countries in maintaining friendly relations amongst them through mutual respect and recognizing the right to self-determination. इसका मतलब है कि ये जो चार्टर है इसका मकसद जो है वो मुल्कों के बीच में दरमियान जो है वो फ्रेंडली ताल्लुकात बनाने के लिए और एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना कि भाई, और ये कहना कि हाँ भाई आप जो है वो आपको भी राइट right है, आप अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हो. ठीक है, इसका मतलब ये है रिकग्निशन, यानी रिकग्नाइज करना एक दूसरे को. यानी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान ने चाइना को रिकग्नाइज किया था व्हेन चाइना केम इनटू बीइंग. ठीक है, या अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करना, या किसी की गवर्नमेंट को या स्टेट को रिकग्नाइज करना क्योंकि यू आर अ स्टेट एंड यू हैव द राइट टू बी. ठीक है, फाइनली इट्स ऑल्सो यूजफुल इन अचीविंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character. ठीक है, तो उसमें बहुत सारी international problems solve करने की ability है, जिसमें economic, social, cultural और specially humanitarian character की problems जो है वो आ जाती हैं specifically. And in promoting and encouraging respect for human rights. यानी human rights की जो है वो respect United Nations में वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसमें बेसिकली जब ये बना था तो लॉज अगेंस्ट स्लेवरी, पायरेसी वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आती थी, क्योंकि उस टाइम पे स्लेवरी बहुत कॉमन थी और पायरेट्स बड़े बड़े होते थे दुनिया में, इससे काम आता था. लेकिन अभी फिर द ह्यूमैनिटेरियन लॉज एंड द ह्यूमन राइट्स हैव चेंज्ड. ठीक है, अभी ब्लैक्स के राइट्स हो गए, ठीक है, विमेन राइट्स हो गए, LGBTQ राइट्स हो गए, वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होती जा रही हैं इसके अंदर, कि किसी कोई भी जो भी इंसान जो भी कर रहा है जैसा भी है, अनलेस वो अपने कैरेक्टर में बुरा नहीं है या वो दगाबाज या इमोरल नहीं है, अपने एक्शंस में एक ट्रेटर नहीं है, आप उसको जज नहीं कर सकते, आप उसको बुरा नहीं कह सकते. ठीक है, तो आपको टॉलरेंस का बिहेवियर जो है वो
बंदूक होती मेरे पास काम आ जाती इस वक्त. एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन टुवर्ड्स एनी रेस जेंडर लैंग्वेज और रिलीजन. समझ रहे हो आप, टॉलरेंस क्रिएट करने के लिए ये प्रेजेंट है इस वक्त. अच्छा जी, छह मेजर ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस के. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया है. ठीक है, कि भाई जो एक स्कॉर्ज ऑफ वॉर है उसको रोका जाए. फिर आ गया जी टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. यानी दे कैन बी एबल टू डिटर्मिन फॉर देमसेल्व्स. ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट The UN has not been able to meet. For example, Kashmir issue mein Kashmiri people have the right to self-determination. They have the right to plebiscite. The UN has bestowed the right to them. However, India doesn't let them exercise the right. But UN has not been able to enforce its decision. Yani UN apna decision jo hai wo usko enforce nahi kar saka kyunki iske paas lack of physical power hai. Yani security forces nahi hai. जो कि जाके और वहां पे इंश्योर करे कि जी ये होगा ये नहीं होगा. ये जिम्मेदारी उसने कंट्रीज पे छोड़ी हुई है जिस कंट्रीज जो है वो फेल हो चुके हैं. टू फॉस्टर वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स. ठीक है, फिर आ गया टू प्रोमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, फिर आपका आ गया टू सर्व एज अ सेंटर वेयर वेरियस नेशंस कैन कोऑर्डिनेट. बहुत सारे कंट्रीज मिलके एक्टिविटीज करें और हार्मनी के साथ आपस में जो है वो यूएन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें. ठीक है, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कॉर्ज ऑफ वॉर. यानी हमारे लिए था कि जी अगले सालों में जो अगली जनरेशन आएंगी उनको जो है वो जंग की तबाही से बचाने के लिए. जंगी तबाही जो होती है वो बहुत एक वर्स्ट तबाही होती है. इनफैक्ट इस पे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं. वर्ल्ड वॉर टू पे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं. ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशंस के बारे में उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कंस्पिरेसी थियरीज मैंने देखी हैं. Stop asking questions in the middle of the lecture. Stop commenting in the middle of the lecture. ठीक है, so इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, right? जैसे World War II के अंदर Hiroshima, Nagasaki. Now there were people who made it alive in those attacks. Hiroshima और Nagasaki के अंदर ऐसे कुछ लोग थे who made it alive. ठीक है, वो जिंदा रह गए, बच गए. ठीक है, जाहिर है कुछ लोग बच ही जाते हैं. तो दे मेंशनड कि एक ऐसा एटम बॉम्ब जो गिराए गए थे जो कि ट्रूमन जो प्रेसिडेंट था, हैरी ट्रूमन, उसने हैरी एस ट्रूमन उसने जो है वो फैसला किया था. बनवाए जो थे उसने थे, अल्लाह भला करे मेरा उसका नहीं, आई रिमेम्बर द गाइज नेम इट्स ऑन टिप ऑफ माई टंग बट लेट इट गो. तो बहरहाल Harry Truman decided to throw the bombs on Hiroshima and Nagasaki to Roosevelt tha kaun tha Bharat ha lekin I think you're right FDR ha Franklin D. Roosevelt and giraye the Harry Truman ne. तो जो बॉम्ब्स गिरा थे जो लोग बच गए थे दे वर लाइक दे वर गिविंग इंटरव्यूज इन द डॉक्यूमेंट्री एंड दे वर लाइक के हम मतलब कि मैंने लोगों को थिन एयर में इंसिनरेट होते हुए देखा है. इंसिनरेट का मतलब होता है जल गया, भस्म हो गया, लिटरली मतलब कि पुफ गॉन, गुम, खत्म हो गया. जिस तरह से पकौड़ों की प्लेट खाली होती है ना इफ्तारी में, उससे जल्दी. और इस तरह से हिरोशिमा में 70,000 लोग मरे थे. ठीक है, और सेम इज द अपना सेम इज द स्टोरी ऑफ नागासाकी. और ये आफ्टर अ लॉट ऑफ एडवांसेस ऑफ जापान हुआ था. जापान ने जो है वो एक यूएस मिलिट्री आइलैंड जो था उसको जो है वो
तबाह किया था ऑलमोस्ट कम्प्लीटली. तो बहुत सारे इन्होंने नेवी फाइट्स की थी, वाटर फाइट्स की थी. उसके बाद फिर ये इशू इस तरह से एंड हुआ कि इतनी बड़ी जो है वो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे. फिर आ गया जी ऑर्गेनाइज. अच्छा, इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और इंटरटेनमेंट भी हो जाती है, टाइम अच्छा गुजर जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द UN है, 6 ऑर्गेनाइजेशन है. ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स इट शुड बी जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक जिसको कहते हैं, एंड देन ट्रस्टीशिप काउंसिल. जनरल असेंबली इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारे कंट्रीज आ रेजोल्यूशंस बनाते हैं, स्पीचेस करते हैं, इश्यूज डिस्कस करते हैं, ट्रीटीज बनाते हैं. इन्वायरमेंट की ट्रीटी हो गई, टेररिज्म की ट्रीटीज हो गई. फिर आ गया सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, सारी की सारी जो भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे हैंडल होती हैं. ठीक है, कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें वो यहाँ पे होती हैं. फिर आ गया सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन है. इसका मेन मकसद है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना. इसके अंदर 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है. ठीक है, फिर आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड्स अ मीन्स वेयर कंट्रीज कैन, वेयर इंटरनेशनल बॉडीज, कंट्रीज, इंटरनेशनल पर्संस, जो भी लोग, कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो भी इंटरनेशनल लॉ के या इंटरनेशनल वर्ल्ड के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे जाके अपने लीगल डिस्प्यूट्स को लड़ते हैं. इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का काम इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स को हैंडल करना है. और ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी थी इसलिए कि जो कंट्रीज कॉलोनाइज है ना, जो कंट्रीज के ऊपर कॉलोनाइजर है या बाहर की हुकूमतें हैं या उनको होल्ड किया हुआ है, उन बेसिकली उनको देखने के लिए और उनकी मैनेजमेंट को देखने के लिए कि वहाँ पे लोगों के साथ कहीं ज्यादतियाँ तो नहीं हो रही. अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ट्रस्टीशिप काउंसिल है इज एब्सोल्युटली डोरमेंट, इट्स नॉट वर्किंग, लेकिन इट्स देयर, अगर जरूरत पड़ी तो इसको बुला सकते हैं. अच्छा जी, डिटेल में पढ़ते हैं. जनरल असेंबली लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द UN. ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर टू बी मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली. सारे के सारे मेंबर्स जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं. एक मेंबर का एक वोट होता है, इंश्योरिंग इक्वल स्टेटस. क्या है? द मीटिंग्स आर हेल्ड वंस अ ईयर. साल में एक दफा मीटिंग होती है जनरल असेंबली की, बट स्पेशल सेशंस कैन बी हेल्ड अगर कोई मसला इमर्ज हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो जो है वो दिस क्राइसिस कैन द मीटिंग्स कैन बी होल्ड टू कंटेन द क्राइसिस. अच्छा एक सेकेंड. This session is no longer being recorded. अच्छा, दिस लेक्चर इज क्वाइट लॉन्ग एंड आई वॉज होपिंग हम लोग टाइम पे स्टार्ट कर लेंगे तो विल बी एबल टू एंड इन टाइम. नाउ आई नो दैट यू टेकन वन लेक्चर बिफोर इज वेल. ठीक है, तो वॉट वी कैन डू इज वी कैन कट इट इन हाफ. इट्स अ क्वाइट लॉन्ग लेक्चर बिकॉज ऑल ऑफ दीज पार्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द UN आर डिस्कस्ड इन हियर. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जनरल असेंबली को डिस्कस करने के बाद और सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को एक्सक्यूज कर लेती हूँ. फिर हम लोग इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. इन द मीन वाइल आई विल ऑल्सो गिव यू एन असाइनमेंट जो कि आप अगली क्लास तक सबमिट कराओगे एंड आई विल बी एबल टू टेल यू कि आप लोगों ने सही किया या नहीं. और आप लोग भी लेक्चर अटेंड करके बाकी का इसको अंडरस्टैंड कर लोगे. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. The recording has started. ठीक है, अच्छा जी, हाँ, तिजानी मोहम्मद बेंडे फ्रॉम नाइजीरिया इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फॉर द 74th सेशन जो कि सितंबर 2019 में हुआ था, जहाँ पे इमरान खान ने बड़ी तड़कती भड़कती हुई स्पीच भी की थी जाके, और जो है वो जिसका कोई खास खास कोई फायदा नहीं हुआ. जनरल असेंबली के फंक्शंस पे आ जाते हैं कि जनरल असेंबली करता क्या है.
इट कैन डिस्कस एनी मैटर. ये बहुत एक बड़ा वाइड रेंजिंग मैटर्स को डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, अफेक्टिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, ये जो है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए रिकमेंड करते हैं चीज़ें कि आप लोग इस तरह से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें, आप लोग इस तरह से मॉडरेट कर लें, या इस तरह से आप इस इशू की तरफ जो है वो कर लें कि अच्छा ये इतना मसला ना हो. ठीक है, दूसरा फिर ये जनरल असेंबली जो है वो यूनाइटेड नेशंस का बजट भी पास करता है कि इतना बजट होगा और ये खर्चे होंगे. ठीक है, फिर आ गया जी, इट ऑल्सो इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक, नो इट ऑल्सो इलेक्ट्स द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं. 3 दफा बात कह गई हूँ, अब याद हो जानी चाहिए. 5 जो होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है, 10 जो होते हैं वो उनके पास वीटो पावर नहीं होता. तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं होती, वो आपका जनरल असेंबली सिलेक्ट करती है. अच्छा, इसमें मैं ये भी बताती चलूँ आपको कि पहले जो था वो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर की जो थी जो डिविजन थी वो इस तरह थी कि आपके 5 परमानेंट मेंबर होते थे और 6 नॉन परमानेंट मेंबर होते थे. ठीक है, तो दो तरह के मसाइल होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर. एक होते हैं सब्सटेंशियल मैटर, यानी इम्पॉर्टेंट मैटर्स, बहुत ज़्यादा जल्दी में सॉल्व करने वाले मैटर्स, सब्सटेंशियल मैटर्स उसको कहते हैं हम. ठीक है, सब्सटेंशियल इश्यूज, वो सॉल्व करने के लिए परमानेंट मेंबर्स वोट करते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है. सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स की हामी उसमें ज़रूरी होती है, और एटलीस्ट उसमें 10 लोगों की हामी परमानेंट मेंबर्स के अलावा ज़रूरी होती है. ठीक है, मतलब कि टोटल 10 चाहिए होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हों, या 9 चाहिए होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हों, 4 नॉन परमानेंट हो जाए. फिर दूसरा होता है प्रोसीजरल मैटर्स, यानी जो नॉन सब्सटेंशियल मैटर्स होते हैं, गैर ज़रूरी प्रोसीजरल इशूज़ होते हैं जिसमें जिसकी इतनी जल्दी नहीं होती, या जो इतने कोई इतने हजार्डियस नहीं होते, इतने परेशान कुन नहीं होते. ठीक है, तो वो डिस्प्यूट्स या वो मैटर्स, वो जो प्रोसीजरल मैटर होते हैं, वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं अगर सब ने यकसा होके वोट कर लिया येस, रिगार्डलेस ऑफ परमानेंट मेंबर्स वीटो वोट. ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोसीजरल मैटर है. ठीक है, पहले नॉन परमानेंट मेंबर 6 होते थे, तो वो कभी भी जो है वो मिल के किसी प्रोसीजरल मैटर पे डिसीजन नहीं ले पाते थे. फिर उन्होंने नॉन परमानेंट मेंबर्स को का नंबर बढ़ा के 10 कर दिया. अब एटलीस्ट प्रोसीजरल मैटर्स के जो इश्यूज हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं. वीटो पावर की मतलब ये होती है कि एक ऐसी पावर कि जो डिसीजन में, फॉर एग्जाम्पल, 5 लोग बैठे हैं, 5ों के पास इक्वल पावर है, सब कह रहे हैं कि हमें ऑप्शन है दही भले खाने या छोले खाने हैं, सब कह रहे हैं हमने, 4 कह रहे हैं हमने दही भले खाने, अगर एक भी कह रहा है ना कि मैं छोले खाऊंगा तो सारे के सारे जो है वो उनका प्लान कैंसिल हो जाएगा. फिर वही 0 पे आ जाएंगे सारे कि कोई ना छोले खा सकेगा ना कोई दही बड़े खा सकेगा. ठीक है, तो उनको मिल के जो है वो एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अच्छा यार आज हम सारे मिल के दही बड़े खा लेते हैं, कल फिर छोले खा लेंगे. ठीक है, तो सारों के पास जो है वो, हाँ जी, P5, तो सारों के पास जो है वो चाइना, US, UK, फ्रांस एंड रशिया, सबके पास ये पावर है. ठीक है, कि वो कोई भी वर्ल्ड मैटर पे अगर वीटो कर दे कि सीरिया में फॉर एग्जांपल बॉम्बिंग रोकनी है, या मिलके सीरिया में सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करना है, यूनाइटेड नेशन ने वीटो कर दिया, सीरिया में कोई जाएगा ही नहीं, अफगानिस्तान के लिए इशू उठा, अफगानिस्तान से नेटो को निकालें, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट इंस्टॉल करें, इसको स्टेबल होने दें, फिर US ने वीटो कर दिया, खत्म. ठीक है, तो वीटो पावर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल. अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं, इट आल्सो इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल. ठीक है, सबके मेंबर्स जो है ये वो करता है. फिर आगे, इट एडमिट्स न्यू मेंबर्स टू द UN ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. मेंबर यूनाइटेड नेशंस के, इट एडमिट्स नए मेंबर्स, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बेसिकली कहता है यार इसको रख लो प्लीज अपने पास ना, इसको भी एंटर करा लो किसी तरह से क्लब के अंदर, कह रहे मतलब ये भी भाई अपना, इसको भी आप एंटर करवा लो,
तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है वो उसको भी मेंबर ले लेती है अपने पास, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आपका, हाँ ठीक है ऐसे ही होता है, वो मैं बताती हूँ फिर आपको डिटेल में सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। वी वॉन्ट लीव एनीथिंग, ठीक है, वी वॉन्ट लीव एनीथिंग टू द फेट, वी विल कवर एवरी ईच एंड एवरीथिंग। द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों मिलके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस होते हैं और जजेस का पूरा बेंच होता है उसको, और वो जो बेंच होता है वो 3 साल के लिए एक जज का टेन्योर होता है। ये सारी चीजें आगे भी मैंने डिटेल में जो है वो देखे ना सब सब किए हुए हैं, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आगे जाके, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन सो यू रिमेम्बर दिस, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स यानी अभी रिसेंट ईयर्स में जनरल असेंबली हैज इंक्रीज इट्स पावर थ्रू अ रेजोल्यूशन कॉल्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, यानी यूनाइटिंग फॉर पीस यानी यूपीआर जो रेजोल्यूशन है जनरल असेंबली का, उससे जनरल असेंबली हैव बीन एबल टू इंक्रीज इट्स पावर। जनरल असेंबली कैन ऑल्सो मेक रिकमेंडेशंस फॉर कलेक्टिव मेजर्स, कलेक्टिव मेजर्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो कलेक्टिव मेजर्स के अंदर आर्म फोर्स के यूजेस भी होते हैं। आर्म फोर्सेस के यूजेस कैसे होते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज अपने आर्म फोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं यूनाइटेड नेशंस में, और यूनाइटेड नेशंस उन आर्म फोर्स को लेकर जो है वो एक कॉज को जो भी जहाँ पे भी पीस पीस सस्टेन करवाना होता है वहाँ पे जो है वो चला जाता है और पीस को सस्टेन करवाने की कोशिश करता है। सो कलेक्टिव मेजर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस व्हिच इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन नहीं कर सका तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन डू इट, डू दिस, इट कैन टेक कलेक्टिव मेजर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग अ क्राइसिस, ठीक है। डिसीजंस आर टेकन इन द जनरल असेंबली बाय अ सिंपल मेजोरिटी वोट, इन सम इंपॉर्टेंट केसेस अ 2/3 मेजोरिटी वोट इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग अ डिसीजन। सिंपल मेजोरिटी होती है 50-50, 51% इज अ सिंपल मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी जो होती है ना इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, इसका मतलब होता है कि 67% लोग, 100 में से एटलीस्ट 67% लोग जो है वो इसको माने, ठीक है, तो फिर वो ये होगा, तो 2/3 जो है वो उसमें आ जाता है स्पेशल मेजोरिटी। आई थिंक आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज इट्स अ रियली लॉन्ग लेक्चर एंड वी हैव ऑलरेडी बिन स्टडीइंग फॉर 40 मिनट्स। इफ आई कंटिन्यू दिस तो हम लोग 40 और मिनट हमें लग जाएंगे इसको पूरा करने में, और ऑलरेडी जो है वो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी एग्जॉस्टेड होंगे, इतना सुनने की हिम्मत नहीं होती, तो इसको फिर अगली क्लास के लिए रख छोड़ते हैं। इनफैक्ट आई विल ट्राई टू टेक अनदर क्लास जो है वो टुमारो एंड देन एट दैट टाइम आई विल कंटिन्यू एंड फिनिश दिस लेक्चर। अच्छा जी, एंड द मीन वाइल आई एम गोइंग टू गिव यू द असाइनमेंट फॉर टुमारो फॉर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जब भी हो या फ्राइडे तक आप जमा करा दीजिएगा, इसकी डेडलाइन हम फ्राइडे रख लेते हैं। योर असाइनमेंट इज गोइंग टू बी दिस, हमने अच्छा हमने सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा नहीं है, सो आई एम टॉर्न, आई कॉन्ट गिव यू दिस असाइनमेंट, एक सेकेंड। You don't have to access to the previous lectures. I will give you those lectures again. The UN Security Council, UNSC, is regarded as a tool for the veto wielding powers and a debating forum for non-permanent members, ठीक है, make a case for restructuring the council with स्पेशल
emphasis on judicious, यानी कि equality के साथ judicious distribution of veto power. वीटो पावर के बारे में इतनी बात तो हमने कर ली है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये कैसे होगा. बट अगर आपको ये नहीं आता, आई विल गिव यू अ कंडीशन. जब ये लेक्चर हम पूरा कर लेंगे, आप ये असाइनमेंट उसके 2 या 3 दिन बाद जमा करवा सकते हो. तब तक आप इस क्वेश्चन को उठाओ और इसको इसको स्टडी करो, ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ो, चीज़ों से देखो, इसकी आउटलाइन बनाओ, इसके ऊपर जो है वो लिखो पॉइंट्स, ब्रेनस्टॉर्म करो इसके ऊपर, ट्राई टू कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल फिनिश माई लेक्चर एंड देन वी विल बी एबल टू अकम्प्लिश बोथ स्टडींग फॉर दिस असाइनमेंट एज वेल एज आर लेक्चर. ठीक है, दैट एंड्स माई लेक्चर. आई थिंक अभी आज मैं फिर क्वेश्चन आपसे, अभी आपके इतने होंगे भी नहीं और मैं आज आपसे फिर क्वेश्चन लूंगी भी नहीं. मैं आपसे क्वेश्चन फिर अगले, हाउ डू यू सेंड द असाइनमेंट, यू हैव टू ई मेल द असाइनमेंट टू मी विच इज सुमया डॉट शना यू कैन एट gmail.com. मैंने पूरा का पूरा सवाल लिख के भेज दिया है. अभी भी मैं तुम्हें दोबारा बताऊं, ये जो मैंने पूरा का पूरा सवाल भेज दिया है, एक सेकेंड, ये लो. और कितनी दफा बताऊं? डू इट इन वर्ड फॉर्मेट सो आई कैन चेक इट वेल. नो आई कांट एक्सप्लेन माय असाइनमेंट. गो अहेड एंड रीड द क्वेश्चन एंड देन उसको फिर करो. तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आना ना, तो फिर जब हम कंप्लीट करेंगे इसको तो फिर नहीं, ईमेल मी फॉर क्वेश्चंस. ईमेल एड्रेस, या ईमेल भी मैं बहुत दफा भेजू फिर लोग मानोगे. gmail.com ये लो. बस काफी है, इतनी दफा हर एक के लिए अलग अलग मैंने भेजी है. ठीक है, जैसे भी भेज दो, बस भेज दो असाइनमेंट. मैं फंस गई तुम लोगों को.